अंदर क्या है कि अभी क्रिकेट बोर्ड के आदमी आए हुए हैं, उनका मीटिंग वगैरह चलता रहता है यहाँ पे। और ये है भाई राशिद खान का घर, ये देखो। और ये इधर बंगला खड़ा कर रखा है राशिद खान भाई ने। जब से अफगानिस्तान आया हूँ ना, तब से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई राशिद खान का घर दिखाओ। मोहम्मद नबी अभी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन है ना, उनका घर एक बीच। और आदमी ने कहा अगर पाकिस्तानी है तो हम इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, हिंदुस्तानी है। अच्छा अच्छा, ये हमारा भाई है, इजाजत है, इजाजत है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में। आपने पिछले बहुत सारे व्लॉग देखते आए होंगे काबुल, जलालाबाद, कुन्नार के। तो अभी भी मैं राशिद भाई के साथ में ही हूँ, सॉरी साफी भाई के साथ में ही हूँ, राशिद भाई के साथ में नहीं। आज क्या है कि राशिद खान के जो राशिद खान का घर है ना यहाँ पे काबुल में, इसको घूमने का विचार है, तो राशिद खान का नाम आ रहा है। तो अभी मैं साफी भाई के साथ हूँ और थोड़ा सा हम लोग काबुल को घूमेंगे और थोड़ा सा साफी भाई जहाँ घुमाएंगे यहाँ लोकल वहाँ घूमेंगे। सो साफी भाई, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू, अस्सलाम वालेकुम। Hope all the people very safe and sound. Now we will go to Mr. Rashid Khan house. Rashid Khan house. Rashid Khan house. My God, yes. मरेगी वो बच्ची अभी तो आगे आ जाती वो बच्ची छोटी सी। Which place is this? This is Abdul Haq Charai. Abdul Haq Charai. Charai Abdul Haq. This way going to the city. This way is going to city. Yeah, and that way going to Sharinau. Okay. And this way. वहाँ पे आप लोगों ने देखा काबुल के लोग गाड़ी लेके बंदूक लेके खड़े थे। और वो देखो उस कार में तो है जो भाई तान के बैठे हैं, ऐसे जैसे छोड़ने ही वाले हैं बम के गोले। और अभी हम लोग आ गए काबुल से जो बाहर वाला पार्ट है ना वहाँ पे, तो वहाँ से थोड़ा सा मतलब ये देखो बाहर का कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। और राशिद खान का जो घर है ना वो काबुल से लगभग 40-45 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है। हालांकि काबुल में ही आता है लेकिन वो थोड़ा सा पोस एरिया माना जाता है। हम लोग जो राशिद खान और मोहम्मद नबी दोनों एक ही जगह रहते हैं उस कॉलोनी में आ गए, और ये कॉलोनी के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, आप लोग देख लो यार। This is the house of Muhammad Nabi Sahil. Okay, Muhammad Nabi. Muhammad Nabi, yes. ये घर है ना, ये वाला घर है मोहम्मद नबी का, जो मोहम्मद नबी अभी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन है ना, उनका घर है। विच वन, दिस वन और दिस वन? दिस वन, दिस वन, दिस इज द गेट, दिस वन। ये जो ब्लैक गेट है ना, ये है मोहम्मद नबी का घर। तो अभी तो इनके जो रिलेटिव्स है ना वही यहाँ पे रहते हैं, जो मोहम्मद नबी के रिलेटिव है ना वही यहाँ पे रहते हैं अभी। बाकी तो अभी हम लोग चलते हैं राशिद खान के घर पे देखे। ये देखो यहाँ पे सामने सिक्योरिटी बढ़ा रखी है, तालिबान के लोग बैठे रहते हैं सब जगह। और ये है साफी भाई के कजन है, ये है जो इसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ मोहम्मद नबी और राशिद खान रहते हैं ना, उसी कॉलोनी में रहते हैं भाई। नजीबुल्ला साफी, हेलो भाई जान। आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम ब्रो। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। सब कुछ ठीक है ना उधर, कोई मसला नहीं है ना उधर, हम जाएंगे उधर, बहुत ग्राउंड है उसमें। अच्छा, राशिद खान के घर पे सब मसला ठीक है, मतलब शांति है, सब कुछ ठीक है, बाहर रोक के वीडियो शूट कर सकते हैं ना? हां ओके, कोई मसला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बात करूंगा। चलो चलो भाईजान, धन्यवाद धन्यवाद। और अभी हम लोग आगे पहुंच गए जहाँ पे राशिद खान का घर है वहाँ पे। और राशिद खान का घर पहले तो बाहर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये राशिद खान का घर है, ये राशिद खान के घर का गेट है, और अंदर से तो काफी खूबसूरत दिख रहा है भाई। तो अभी देखिए ये भाई लोग बात कर रहे हैं, अंदर कोई है क्या यहाँ पे, देखिए गेट खोलता है क्या, यहाँ पे गार्ड वार्ड है या नहीं है। एक्चुअली राशिद खान है जो तालिबान के आने के बाद ना, राशिद खान है जो दुबई शिफ्ट हो गए पूरी फैमिली सहित, यहाँ पे शायद कोई गार्ड वगैरह रहते हैं, बाकी और कोई नहीं रहता। तो अभी देखते हैं अंदर कौन है। ये भाई लोग हैं जो कांटेक्ट कर रहे हैं, देखिए बजा रहे हैं, गेट वेट खोल वोल कर रहे हैं। खोला तो है यार किसी ने इधर से।
तो अभी यार यहाँ पे हम लोग राशिद खान के घर पे पहुँच गए हैं, और ये राशिद खान का घर ये है। यहाँ पे क्या है कि अभी क्रिकेट बोर्ड के काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह चल रही थी। और ये है भाई राशिद खान का घर, ये देखो। अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अंदर क्या है कि अभी क्रिकेट बोर्ड के आदमी आए हुए हैं, उनका मीटिंग वगैरह चलता रहता है यहाँ पे। अभी राशिद खान तो दुबई में शिफ्ट हो गए। और ये है यहाँ पे राशिद खान का घर, और ये इधर बंगला खड़ा कर रखा है राशिद खान भाई ने। तो अब चलते हैं यार, यहाँ से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अंदर इतना इन्होंने अंदर एंट्री दे दी वही काफ़ी है। तो अब चलते हैं। मैं जब से अफगानिस्तान आया हूँ ना, तब से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई राशिद खान का घर दिखाओ, राशिद खान का घर दिखाओ। और ये देखो, ये कॉलोनी है पूरी, यहाँ पे सारी कॉलोनी में ऐसे ही पेड़ मिलेंगे आप लोगों को। और ये छोटा गेट है, बड़ा गेट है। और यहाँ पे जो क्रिकेट की मीटिंग्स वगैरह होती है ना, वो अब राशिद खान के घर पे ही होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे राशिद खान है जो अब देखते नहीं है, वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। अभी तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया में है, वर्ल्ड कप चल रहा है ना क्रिकेट का। थैंक यू भाई जान, थैंक यू साफी भाई, मोस्ट वेलकम ब्रो। नाउ वी विल गो टू द अबीबुला जाजी पार्क। ओके इट्स आल्सो अ वेरी नाइस प्लेस। ओके। और ये देखो, ये जो बाहर जो कॉलोनी का व्यू है ना राशिद खान के घर की कॉलोनी का, वो कुछ ऐसा है। ओके फिनिश। और ये जो अभी हम लोग राशिद खान के घर को घूम के आए ना, ये यहाँ का काबुल का पॉश एरिया है। अभी हम लोग वापस से राशिद खान के घर को घूम के आ गए। और ये जगह मुझे काफ़ी मस्त लगी यार, ये देखो बिल्कुल खुला खुला एरिया है, यहाँ पे घर भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। वैसे राशिद खान का जन्म है ना जो जलालाबाद, राशिद खान वाज बोर्न इन जलालाबाद राइट, या राशिद खान का जन्म है ना जो जलालाबाद में हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिर बाद में वो काबुल में शिफ्ट हो गए थे। और अभी अपने साथ एक और भाई है, इनका नाम भी साफी है, अब्दुल्ला साफी। अब्दुल्ला साफी, ही इज फ्रॉम लगमान, लगमान प्रोविंस। लगमान, यस फ्रॉम लगमान। लगमान, गुड। आप तो वैसे उर्दू जानते हैं, हम लोग उर्दू में बात कर सकते हैं। उर्दू फिल्मों से सीखा है उर्दू। ये अच्छी बात है, यहाँ पे फिल्मों से सब लोग उर्दू सीख गए। बहुत ज्यादा फिल्में देख रहे थे हम। अच्छा। यहाँ पे ज्यादातर लोग है ना जो उर्दू बोलते हुए मिलेंगे ना, वो हिंदी मूवीज से ना उर्दू सीखे हैं। ये देख लो यार, हर आदमी हिंदी मूवीज से उर्दू सीखा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे, कोई पार्क है हबीबुल्ला जज्जई पार्क, अभी बोला जज्जई पार्क है, उसको घूमने आए। पार्क मुझे काफी अच्छा लगा यार, माउंटेन्स में पार्क डेवलप कर रखा है इन लोगों ने। देखो अभी चलते हैं, पार्क को दिखाता हूँ आप लोगों को। वैसे आज यहाँ पे फीमेल डे है, यहाँ पे फीमेल अलाउड, लेकिन इन लोगों ने बोला है कि यहाँ पे ये इंडिया से है, अपने गेस्ट है, तो इन लोगों ने थोड़ा सा एंट्री दे दी है हम लोगों को, थोड़ी सी नहीं पूरी एंट्री दे दी है। लेकिन वो देखो हबीबुल्ला जज्जई पार्क, वहाँ पे बोर्ड भी लगा है यार। तो अभी ये है, ये देखो हबीबुल्ला जज्जई पार्क है, ये बंदा है जो हबीबुल्ला जज्जई, इस बंदे का नाम है। और आज यहाँ पे यार फैमिली डे है, तो यहाँ पे आज वुमेन्स ही अलाउड है। तो एक मैं अकेला बंदा हूँ जो यहाँ पे मैन अलाउ किया है इन लोगों ने। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा पार्क डेवलप कर रखा है। तो ये देखो यार, ये पार्क, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ खेल रही है। आज क्या है कि मुझे ज़्यादा अंदर तक जाने की परमिशन नहीं है, बाकी वहाँ पे वो पहाड़ियों की तरफ ना एक काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है, वो आप लोगों को पहाड़ियाँ दिख रही होगी। मस्जिद है ये सामने, मस्जिद पे, दिस इज मस्जिद राइट, मस्जिद। सो दिस इज ओनली वुमेन्स डे टुडे हियर, टुडे जस्ट फैमिली डे, ओनली फैमिली डे, या फैमिली डे, द मेन आल्सो कैन ब्रिंग देयर फैमिली, देयर वाइफ सिस्टर, या वाइफ सिस्टर, ओके, देयर फैमिली ओनली, जस्ट ओनली फॉर फैमिली। ओके वन डे इज फॉर फैमिली, अनदर डे इज फॉर मेल। ओके, वन डे फैमिली, वन डे अल्टरनेट डे, या तो ज़्यादा अंदर तक जाने की अपने को परमिशन नहीं है। बाकी पार्क है जो बहुत खूबसूरत पार्क है, काफ़ी अच्छा पार्क है। वाह, नाइस पार्क, वेरी नाइस। हुई जज्जई हबीबुल्ला जाजे इज फ्रॉम पक्तिया प्रोविंस। ओके, ही हैव अ ट्रेडर और बिजनेसमैन। ओके ही आज दिस प्लेस फ्रॉम गवर्नमेंट, इट मेक दिस पार्क फॉर द पीपल, दे आर कमिंग। गवर्नमेंट मेड और द गाय मेड?
तो हम लोग आज ज्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे फैमिली वगैरह आई हुई है, लेडीज वगैरह आई हुई है। और यहाँ से देखो यार काबुल का व्यू देखो, ये देखो काबुल। गोप्रो यार इतना इफेक्टिव नहीं होता है, दूर मैं जूम वगैरह तो नहीं कर सकता, लेकिन ये काबुल की बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ से देखो बहुत जबरदस्त दिख रहा है। जगह काफी खूबसूरत है, मुझे जगह काफी पसंद आई, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। आदमी ने कहा अगर पाकिस्तानी है तो हम इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, हिंदुस्तानी है। अच्छा अच्छा, ये हमारा भाई है, इजाजत है, इजाजत है। अभी अब पार्क में क्या हुआ कि मैं गया तो शकल से मैं पाकिस्तानी, आई लुक लाइक पाकिस्तानी राइट, फाइव फेस शकल से मैं पाकिस्तानी लगता हूँ। तो उन्होंने बोला है पाकिस्तान से आया, हम लोग इसको इजाजत नहीं देंगे। इन लोगों ने बोला है इंडिया से है यार, इंडिया से आया यहाँ पे। ओम भाई गॉड, उन्होंने बोला ये तो अपना भाई है यार, इसको तो इजाजत है अंदर जाने की। थैंक यू, थैंक यू। गुड रिलेशनशिप बिटवीन देयर इज गुड 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 रिलेशनशिप बिटवीन अफगान एंड इंडिया, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, या पॉलिटिकल आल्सो, बिजनेस आल्सो। भाई यहाँ पे पाकिस्तान का नाम लेते ही तो मैं केवल इंडिया का पासपोर्ट है ना, इसलिए इतना आसानी से मैं घूम पा रहा हूँ। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए घूमना। सही बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए घूमना। ये लोग ना इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं करते। इंडिया वालों से तो ये मान लो इनकी जान हाजिर है इंडिया वालों के लिए, तो अफगानिस्तान की। अभी हम लोग वापस से हैं जो काबुल में आ गए, पहले राशिद खान के घर को घूमे, फिर वो हम लोग जजे पार्क था उस पार्क को घूमे, और अभी हम लोग आ गए वापस से काबुल में, प्रवेश कर गए भाई साहब। तो भाई जब हम जो राशिद खान का घर था उसको घूम के, और जो वो था पार्क था उसको घूम के, हम लोग वापस काबुल आ गए। और ये काबुल में देखो यहाँ का ट्रैफिक, तो यहाँ पे देखो आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ है, यहाँ पे तालिबानी लोग पहरे लगा रहे हैं। ये देखो कुछ महिलाएं भी यहाँ पे है जो, और वो सामने देखो यार तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं भाई। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ यार, फिर मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों की बहुत सारे लोगों की पसंद मतलब ख्वाहिश थी कि मैं राशिद खान के घर को घूम के आऊँ, और आप लोगों को भी राशिद खान का घर दिखाऊँ। मैंने राशिद खान और मोहम्मद नबी दोनों के घर दिखाए। राशिद खान के घर के अंदर जाने का मुझे मौका मिला, लेकिन वहाँ पे जो यहाँ का अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड था ना उसका मीटिंग चल रहा था, तो यार ज़्यादा अंदर मैं घूम नहीं सकता था। बाकी वहाँ पे राशिद खान का जो क्रिकेट ग्राउंड वगैरह है ना पिच, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है, और उसमें स्विमिंग पूल वगैरह बहुत अच्छा बना रखा अंदर से, तो वो सब देखना नहीं हुआ। तो कुछ ये था इस वीडियो की कहानी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज है, यहाँ लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं।